अगर आप मेरी बैटिंग देखो तो उस गेम में स्टार्टिंग की जो 10 बॉले हैं उसमें मैं उतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि बॉल टू बॉल में रन बना रहा था, मुझे याद है। और वो जो टारगेट था वो बढ़ता जा रहा था और रन रेट बढ़ती जा रही थी। बस मेरे को एक चीज़ थी कि मेरे को अपने आप पे इतना ट्रस्ट था, विश्वास था कि मैं जब मतलब मारने लगूंगा तो मैं कर सकता हूँ, कि मैंने अपने आप पे एक बार भी डाउट नहीं किया। तो शायद वो बिलीव की वजह से ही आज मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर वो नॉक नहीं खेली होती तो आज शायद मैं केकेआर के लिए नहीं खेल रहा होता। आई एम नितेश राणा, आई प्ले फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स एंड आई प्ले टू विन। मेरे पापा क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने हैं, मतलब मैंने जब भी उनके मुंह से सुना है वो कोई क्रिकेट का गेम नहीं छोड़ते। जिम्बाब्वे भी खेलेगी, बांग्लादेश भी, कोई भी खेलेगी, अगर वो बैठे हैं तो वो टीवी पे भी मैच देखेंगे ही देखेंगे। तो इतने बड़े दीवाने, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा क्रिकेट से रहा है, क्योंकि चाचा वगैरह खेले हैं, मेरे फादर भी थोड़े बहुत खेले हैं चाचा के साथ ही। कहीं ना कहीं ये था कि उनको था कि नहीं यार, एक बच्चे को तो क्रिकेटर बनाना है, उन्होंने सोचा था। बट लेकिन ऐसा जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं ग्राउंड गया था, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं, मेरी यही फील्ड है, मेरे को इसमें ही कुछ करना है। बट फिर धीरे धीरे 2-3 साल बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अंडर 16 खेला दिल्ली से, तो तब मुझे लगा कि यार बहुत सही है, मतलब पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही है तो बहुत सही है, खेल सकता हूँ मैं। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके खेला तो फिर सब कुछ ही खेल गया। हुआ क्या था, ये स्टोरी शायद मैंने पहले भी बताई है कि मैं बहुत मोटा था बचपन में। तो 2 समर वेकेशंस आती हैं स्कूल में, तो वो 2 महीने की छुट्टियां थी, तो उसमें मेरे चाचा ने और पापा ने डिसाइड किया कि ये बहुत मोटा होता जा रहा है, तो इसको एक काम करते हैं, ग्राउंड भेजते हैं 2 महीने के लिए और कोच को बोलते हैं कि सिर्फ इसे भगाए। तो 2 महीने मेरे को खूब भगाया मैं, मेरा वेट नहीं कम हुआ। बट उसके बाद फिर जैसे ही स्कूल स्टार्ट हुए तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा क्रिकेट में। फिर सेकेंड सीज़न ही मैं स्कूल नेशनल खेला दिल्ली के लिए। फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि स्टेट क्रिकेट भी कुछ होती है। फिर नेक्स्ट सीज़न मैं 13 साल का था, 14 साल में मैं अंडर 15 खेला दिल्ली के लिए। तब से लेके अभी तक दिल्ली को रिप्रेजेंट करता आ रहा हूँ। मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम ग्राउंड पे गया था तो गौतम भैया मेरे सामने बैठे हुए थे, संजय सर के पास। मुझे याद है कि मैं उनको शायद उस टाइम नहीं जानता था, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, 11-12 साल का था, मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। लेकिन पापा और चाचा को बहुत नॉलेज थी। जैसे ही मैं गया उधर तो मैंने सर के पैरों को हाथ लगाया, और उसके बाद क्या कहते हैं, बात बात हुई कि सर ने बोला इसको, पापा को बोला कि कभी भी भेज दो इसको प्रैक्टिस के लिए, ये वो। तो जैसे ही हम वहाँ से जाने लगे ना, तो पापा मुझे डांटने लगे। तो मुझे नहीं समझ आया क्यों डांट रहे थे, क्योंकि मैं तो एक वर्ड भी नहीं बोला सर के सामने, मैं गया सीधा, मैंने उनके पैर छुए और मैं चुपचाप खड़ा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप डांट क्यों रहे हो, फिर उन्होंने मुझे बोला कि जो संजय सर के साथ खड़ा हुआ था पता तुझे कौन था? तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं बच्चा था, मैं घबराया हुआ था कि इतने लोगों में एकदम से आ गया मैं ग्राउंड पे, कल मुझे यहाँ आके प्रैक्टिस करनी है। तो उन्होंने बोला वो गौतम गंभीर थे। उनको इस बात पर गुस्सा आया कि मैंने गौतम भैया के पैर क्यों नहीं छुए। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में आज तक हैं, और ऐसे मैं अब मेरा फर्स्ट डे क्रिकेट ग्राउंड पे ऐसे गया था। मैं लकी था कि हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस होती थी, 7 दिन में से 6 दिन प्रैक्टिस होती थी। जब भी भैया फ्री होते थे तो हमेशा गौतम भैया प्रैक्टिस पे आते थे, और मेरा एक ही रूटीन होता था, पता होता था हमें कि आज गौतम भैया आने वाले हैं। अगर गौतम भैया थोड़ा लेट आने वाले हैं तो संजय सर मेरी बैटिंग पहले करा देते थे, ताकि मैं पूरा टाइम खड़े होकर उनकी बैटिंग देख सकूं, उनसे कुछ सीख सकूं। बट हाँ, मेरा ये रूटीन था कि जब गौतम भैया बैटिंग करेंगे तो मैं नेट के पीछे मैं खड़ा होता था, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर आज मैं बोलूँ कि, अगर लोग बोलते हैं कि स्पिन अच्छे खेलता हूँ मैं, तो मैं सारा क्रेडिट गौतम भैया को देता हूँ, क्योंकि मैंने उनको देखा हुआ है स्पिन खेलते हुए जैसे वो खेलते थे, और उन्होंने इंटरनेशनल सर्किट में पूरा डोमिनेट किया है स्पिनर्स को। तो मैं बहुत कुछ सीखा हूँ उनसे। अब मुझे याद है, अब मैंने जिस टाइम फर्स्ट टाइम बैट पकड़ा था, मेरे सामने गौतम भैया बैठे हुए थे, संजय सर थे, मेरे डैड ने मुझे गौतम भैया के लिए डांटा कि तूने उनके पैर क्यों नहीं छुए। वहाँ से लेके और जब मेरा रणजी ट्रॉफी फर्स्ट डेब्यू, गौतम भैया कैप्टन, मुझे याद है कि मेरे कंधे पे हाथ रख के भैया ने बोला था कि नॉर्मल क्रिकेट है, अंडर 19, 16, 23 सब तू खेला हुआ है, सेम वही क्रिकेट है यहाँ पर,
बस जो तेरे को खेलना आता है, जैसे जैसा तू खेलता है अपने आप को बैक करियो। मुझे पता है कि वो हाथ कंधे पे कितना इंपॉर्टेंट था उस टाइम। तो जब मैं जब मेरा डेब्यू था तो गौतम भैया कैप्टन थे, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कैप्टन बनूंगा और गौतम भैया मेरे अंडर खेलेंगे। वो शायद मेरी लाइफ का सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि मैं जैसे जैसे गौतम भैया को देखता रहा हूँ, जैसे मैं उनको मतलब एक तरह से पूछता हूँ मैं उनको उनकी गेम को, तो अब वो जाते जाते मेरे अंडर खेल के गए और उन्होंने मुझे बोला था कि अगर मैं किसी के हाथ में दिल्ली दे सकता हूँ तो वो इस टाइम करंटली तू है। तो मतलब वो सारे वर्ड्स मेरे को आज भी टू द पॉइंट याद है। बस मेरे को एक रिग्रेट है कि लास्ट गौतम भैया का जो फाइनल रणजी ट्रॉफी गेम था उसमें मैं अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मैं श्रीलंका गया हुआ था इंडिया 23 खेलने, गौतम भैया का फाइनल मैच। काश मैं कैप्टन होता या काश मैं उनके साथ खेल रहा होता लास्ट टाइम उनके साथ, वो 22 यार्ड अगर मैं बैटिंग करता उनके साथ तो मुझे बहुत खुशी होती। उस गेम में अगर आप मेरी बैटिंग देखो, मैंने देखी है बहुत बार, अगर आप मेरी बैटिंग देखो तो उस गेम में स्टार्टिंग की जो 10 बॉले हैं उसमें मैं उतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि बॉल टू बॉल मैं रन बना रहा था, मुझे याद है। और वो जो टारगेट था वो बढ़ता जा रहा था और रन रेट बढ़ती जा रही थी। बस मेरे को एक चीज़ थी कि मेरे को अपने आप पर इतना ट्रस्ट था, विश्वास था कि मैं जब मतलब मारने लगूंगा तो मैं कर सकता हूँ, कि मैंने अपने आप पर एक बार भी डाउट नहीं किया इतने रन रेट इतनी कैसे चेंज होंगी और अगेंस्ट केकेआर कैसे चेंज होंगी और कैसे मैं कौन सा बॉलर मैं टारगेट करूंगा, क्या मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। बस मेरे को ट्रस्ट था कि कोई भी बॉलर होगा, बस एक बार मैं मेरी आई इन हो गई अगर कि मेरे को बॉल अच्छा दिखने लग गया तो मैं किसी भी बॉलर पर चार्ज कर सकता हूँ। और वो सिर्फ मेरा बिलीव था अपने ऊपर कि मुझे पता था कि जो मैं करने जाऊँगा वो ठीक होगा। तो शायद वो बिलीव की वजह से ही आज मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर वो नॉक नहीं खेली होती तो आज शायद मैं केकेआर के लिए नहीं खेल रहा होता, मेरे को ऐसा लगता है। मैं स्टार्टिंग में पहले पंच नहीं करता था, क्योंकि डोमेस्टिक हमारे जिस विकेट पे मैं खेलता हूँ दिल्ली में, जैसी विकेट पहले होती थी थोड़ा लो विकेट चलता था, तो ज़्यादा गेम फ्रंट फुट पे होता था ना कि बैक फुट पे। वो आदत बन गई थी एक बैटिंग करते करते कि आगे से खेलना है, ड्राइव भी मारना है, आगे से खेलना है, आगे से खेलना है। तो फिर जब जैसे ही मैं यहाँ पर क्या कहते हैं IPL खेला, यहाँ पर मैंने पेस देखी बॉलर्स की, बाउंस देखा विकेट पे, तो वहाँ से मैंने थोड़ा गेम चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि बैक फुट आपका बेटर होना बहुत ज़रूरी है। बैक फुट अगर अच्छा नहीं है तो आप अगेंस्ट फास्ट बॉलर फंसोगे। तो ये चीज़ मैंने जब मैं KKR में आया तो ये चीज़ मैंने अभिषेक भैया से शेयर की KKR अकेडमी में, तो मैंने उनको डायरेक्टली बोला कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास पंच नहीं है, नो डाउट मेरे पास कट है, फ्लिक है, ड्राइव है, सब कुछ है, बट अगर मेरे पास पंच नहीं है तो मैं फंसूंगा इस गेम में, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर बाउंस है और फास्ट बॉलर्स हैं। तो मुझे पता है पिछले 2 साल में जितना मैंने KKR अकेडमी में उस चीज़ पे वर्क किया है उस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प की है। मुझे याद है कि एक डोमेस्टिक सीज़न मेरा बीच में अच्छा नहीं गया था फर्स्ट सीज़न, और IPL मेरा बहुत अच्छा गया था। तो उस टाइम पे भी जब मैं क्या कहते हैं उस टाइम कोई IPL थी भी नहीं, उस टाइम रणजी ट्रॉफी सीज़न चल रहा था, तब मैंने अभिषेक भैया से बात की थी। तो मुझे याद है कि सिर्फ मेरे लिए KKR अकेडमी ने एक कैंप लगाया था, वो भी रेड बॉल कैंप, ऐसा नहीं था कि कोई IPL आने वाली थी, बट वही एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि रणजी ट्रॉफी अच्छी नहीं जा रही तो इसको मैंने सिर्फ एक कॉल किया था अभिषेक भैया को कि भैया ऐसे ऐसे मेरे को थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, 10-12 दिन की मिल सकती है। दूसरे तीसरे दिन में मेरे को याद है कि बॉम्बे में वो कैंप लगा था और मैं अकेला बैट्समैन था और बहुत सारे बॉलर्स थे, तो वो सारा क्रेडिट जाता है अभिषेक भैया को और KKR को कि वो अकेडमी में इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि अगर मैं आज 2 साल पहले देखूं और आज अपने आप को देखूं तो वो डिफरेंस अगर जो मेरी बैटिंग में आया है तो वो KKR अकेडमी की वजह से और अभिषेक भैया का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। मैं हमेशा चाहता था कि मैं एक सीज़न IPL का गौतम भैया के अंडर खेलूं। KKR होती तो ज़्यादा बेटर था, बट कहीं भी मैं चाहता था कि एक सीज़न भैया के अंडर खेलूं, क्योंकि मैं उनके अंडर खेला हूं, तो मैं चाहता था कि मैं एक टाइटल उनके अंडर जीतूं और एक सीज़न खेलूं, तो बट अनफॉर्चुनेटली वो वैसा हो नहीं पाया। बट मेरे को अच्छा लगता है कि जिस टीम के लिए उन्होंने इतना कुछ किया और जिस टीम को उन्होंने 2 टाइटल जितवाए आज मैं उस टीम के लिए खेल रहा हूं, तो वो भी मेरे लिए खुशी की बात है।